आज मैं पुई शाक के चौचुरी बना के दिखाएंगे। ये मैं बिना प्याज लहसुन की बना के दिखाएंगे, ज़्यादा कोई मसाला नहीं चाहिए। ये मेरे घर का पौधा है, इसमें देखिए बीज निकल आया, यही इसकी खासियत है। इसमें अंकुरित चना भी मिलाएंगे और कुछ हरी सब्जियाँ। कढ़ाई में तेल गरम किया, साबुत मिर्चा और 5 फोरन डाला। कटोरी में जीरा पाउडर लिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब पानी मिला के मसाला तैयार करेंगे। अब इसे तैयार करके अलग रख दीजिए। अब पुई पत्ता, मसाला एक एक करके सब चीज़ डाल देंगे और मिलाते रहेंगे। सब्जी है वो भी एक एक करके सब डाल देंगे। अब पुई के जो बीज है, जैसे जैसे गर्माहट मिलेगी वो फट के उससे रंग निकलेगा, उसी से सब्जी की तो रंग खूब सुंदर होगा। और इसी यही है इसकी खासियत। और सब्जी देखिए कितना अच्छा पक जाएगा। अब ढक के इसको पकाना है जब तक सब्जी नरम ना हो। अब इसमें आखिर में नमक डाल दिया, मूंग की बड़ी पहले से शैलो फ्राई करके रखा, ये आखिर में डाला जाएगा। अब देखिए सब्जी बनके तैयार, बड़ी भी डाल दिया। अब इसका रंग देखिए, चावल के साथ परोसा जाता है। बचपन में हम लोग इस रंग के लिए इस सब्जी को बहुत पसंद करते थे।